आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 29। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की जिनको हम सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन से दे सकते हैं, यानी देख के हमें कोई ट्रिक लगाएंगे, हम ट्रिक लगा के देखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास ए आर बराबर एक्स वाई, जहां पर फ्रेंड्स आर बराबर जो होता है, आर होता है हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें सॉल्यूशन देना है तो बाय इंस्पेक्शन से दे रहे हैं सिंपली हमारे पास, तो इसको हम पहले लिखेंगे ए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। फ्रेंड्स बेसिकली ये क्या कह रहा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर जेड का टू टाइम डिफरेंशिएशन है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको दे देते इक्वेशन वन इंटीग्रेट इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड सपोजिंग y एज अ कॉन्स्टेंट, यानी हमने y को एज अ कॉन्स्टेंट माना और तब हम इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a, क्योंकि ऐसा एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां से सिंपली डेल स्क्वायर की जगह डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स, वाई जो है एज अ कॉन्स्टेंट है, प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू इक्वल टू का साइन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू प्लस सी। प्लस वाई क्या है, वाई कॉन्स्टेंट है, वाई भी कॉन्स्टेंट है और सी भी कॉन्स्टेंट है, तो जो कॉन्स्टेंट नहीं आएगा उसको हम एक फंक्शन मान सकते हैं वाई का, क्योंकि वाई तो है यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है, वाई को हमने जो कॉन्स्टेंट ट्रीट किया तो ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास। तो सी की जगह हमने एफ वाई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर सी लिखते हैं तो सी भी लिख सकते हैं, एफ वाई लिखते तो एफ वाई लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब फिर से हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास किया जाएगा ए जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बाई टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई डी एक्स, यहां पे भी डी एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहां से इसका जो इंटीग्रेशन किया हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब जेड बराबर एक्स क्यूब अपॉन सिक्स वाई प्लस एक्स एफ वाई प्लस सी। अब सी को भी फ्रेंड्स क्योंकि वाई जो है कॉन्स्टेंट है तो सी को भी हम फंक्शन ऑफ वाई ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। तो ये जो है इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, क्योंकि अगर हम दो बार देखें इसको डिफरेंशिएशन करें तो फ्रेंड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है तो एक टाइम पे हमारे पास ये कट जाएगा, फर्स्ट टाइम पे सिंपली एफ वाई रह जाएगा, दूसरी टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ वाई भी कट जाएगा और सिंपली इसका जो डिफरेंशिएशन है वो रह जाएगा, और वो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये जेड बराबर है फ्रेंड्स ये जेड बराबर एक्स क्यू अपॉन वाई सॉरी एक्स क्यू वाई अपॉन सिक्स प्लस एक्स एफ वाई प्लस जी वाई। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमारे पास निकल आया। अब और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए। सपोज कि हमारे पास एग्जांपल है टी माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी टी क्या होता है हमारे पास, टी जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है फ्रेंड्स। अब बेसिकली ये हमें इजीली नहीं होगा सो तो पहले क्या कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल वाई
डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से डेल अपॉन डेल वाई, ये क्या डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है क्यूब, ये हो गया क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फिर ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब फिर से अगर हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म अगर हम देखें तो उसकी फॉर्म क्या होती थी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू आर, जहां पे p और r जो होते थे x के फंक्शन होते थे। अगर इसका कंपेयर हम इससे करें तो हमारे पास ये आ जाता है x जो है कॉन्स्टेंट एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा, y की जगह q आ जाएगा। तो अब यहां से हम इंटीग्रेशन इसका लीनियरली कर सकते हैं क्योंकि x जो है यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट ट्रीट करके, वैसे तो हम इसे नहीं कर सकते अगर x को वेरिएबल मान लेंगे तब तो नहीं कर सकते, तो हम इससे इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, x को एज अ कॉन्स्टेंट मानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां से इसको इक्वेशन बंद दे दिया, लेट x एज अ कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेट इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहां से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर ये माइनस माइनस, क्योंकि जब डी वाई ये होती है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू आर, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है e टू द पावर पी ऑफ डी एक्स। तो यहां पे हमारे पास p की जगह क्या है माइनस एक्स, अगर इसमें कंपेयर करें तो e की जगह माइनस एक्स, तो यहां से माइनस माइनस वाई आ जाएगा एक्स, और ये किसके करस्पॉन्डिंग चल रहा है वाई के, तो माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई, तो यहां आ गए e टू द पावर माइनस एक्स वाई, ये हो गया। तो अब हमारे पास यहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं q डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर e टू द पावर माइनस एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट e टू द पावर माइनस एक्स वाई ऑफ डी वाई। हमने x जो है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहा है फ्रेंड्स, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये q e टू द पावर माइनस एक्स वाई बराबर, ये तो कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स वाई अपॉन माइनस वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस c। अब c को फ्रेंड्स यहां पे हम क्या फंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया तो f ऑफ x का ले सकते हैं, क्योंकि ये f x भी कॉन्स्टेंट है यहां पे भी। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहां से अब q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो q की वैल्यू निकालने के लिए तो यहां से q बराबर आ गया, q बराबर अगर e टू द पावर माइनस एक्स वाई के दोनों तरफ सॉरी e टू द पावर एक्स वाई के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास q बराबर एक्स स्क्वायर, और ये x से एक पावर कट जाएगी तो ये ओनली x बच गया माइनस का साइन के साथ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स ई टू द पावर एक्स वाई, और डेल क्यू अपॉन डेल ये क्या था डेल क्यू अपॉन डेल सॉरी क्यू को क्या लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, मतलब अभी हमें इसका एक बार इंटीग्रेशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये हो गया हमारे पास, यहाँ प्लस का साइन है इक्वल टू का साइन है, ये हो गया। अब हमें विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन किया तो एक्स को फिर भी अब भी कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा, ये हो गया हमारे पास यहां से जेड बराबर इंटीग्रेशन किया इसका तो ये हो गया माइनस एक्स डॉट डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ई टू द पावर एक्स वाई डॉट डी वाई। तो यहां से हो गया हमारे पास x तो कॉन्स्टेंट है, ये हो गया माइनस एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ x, ये भी कॉन्स्टेंट है इसका किया तो ये हो जाएगा e टू द पावर x वाई अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जो कि x जो है कॉन्स्टेंट है तो नया कॉन्स्टेंट आएगा उसको हम नया फंक्शन मान लेते हैं g ऑफ x। तो इस तरह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स जेड बराबर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन हो गया, जहां पे जी एक्स और एफ एक्स जो है कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है एक्स के ओनली एक्स के। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, सॉल्यूशन बाय ओनली इंस्पेक्शन मेथड, यानी इंस्पेक्शन मेथड से हम देख के
उसके सॉल्यूशन हम दे सकते हैं।